ये बात है लाइक कॉलेज के किसी लड़के की और लड़की की तो लाइक सभी लोग स्टेबल हो जाते हैं, बट इसके उलट लड़के के साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी दास्ता सुना रहा है। तो उस शख्स की दास्ता है कि तुम वादियों में ढूंढती हो मुझे, मैं गली के किनारों पर पड़ा रहता हूँ। तुम दफ्तरों में ढूंढती हो मुझे, मैं फटेहाल सड़क पर घूमता हूँ। तुम महंगी दावत में मुझे याद करती हो, मैं भूखे पेट रात काटता हूँ। तुम त्योहारों में मंदिरों पर ढूंढती हो मुझे, मैं बाहर सीढ़ियों पर पड़ा रहता हूँ। तुम मेरे दोस्तों में मुझे ढूंढती हो, मैं सड़क के कुत्तों को अपना दोस्त बनाए बैठा हूँ। तुम तारीफों में मेरा नाम लेती हो, मैं तानों में लोगों के ठहरा हूँ। तुम सफ़ेद पोश समझती हो ना मुझे, कि तुम सफ़ेद पोश समझती हो ना मुझे, मैं एक कपड़े में सड़ जाते तुम्हारा नाम लेकर गुजारता हूँ। एक भोलेपन पे लिखी है कि मैं उससे बुरा होने की शिकायत करूँ भी तो कैसे, उसने बुरे लोग भी तो नहीं देखे। उसका दिल बड़ा ना होने का रंज नहीं मुझे, अभी उसमें ज़माने भर के दर्द भी तो ना समाए हैं। कैसे कहूँ बड़ी गुस्ताख है वो, अभी उसकी उम्र ने ही तो किया है सफ़र, अभी वो कुदरत के करिश्मों से वाकिफ ही कहाँ है। चेहरे से तो मासूमियत टपकती है उसके, अभी गिरते आंसू को उसने रोकना ही सीखा कहाँ है। अब बताओ उससे नाराज़ हूँ भी तो किस कदर, अभी उसने ज़माना देखा ही कहाँ है। कि मुझसे ना मिला करे यूं दिलनशी, मैंने तेरी यादों का कैद खाना सजाया है। मैं अब रिहा होना ही नहीं चाहता, मैंने खुदा सा तर्ज दिया है तुझे, तुझे अब मैं पाना ही नहीं चाहता। याद रखे फरिश्ते, खुदा मुकम्मल हुआ तो लोग खामियां उसमें भी निकाल देंगे। हो चाहे कितनी ही गहरी दोस्ती हमारी, मिलकर हम इसका सीना चीर ही देंगे। दूरियां बरकरार रहे तो बेहतर है, तू यादों में ही बने रहे तो बेहतर है। कि लिखा था कि खुशियाँ मेरे पास तो है, पर वो शख्स मेरे पास किधर है। मैं लगा रहा महफिल, पर वो शख्स मेरे पास किधर है। ख्वाबों की दुनिया है मेरे पास, पर मैं तलाश में ये आबाद किधर है। कागज़ पड़े मेरे सामने, पर मैं ढूंढ रहा मेरे वो दर्द किधर है। चेहरा उतरा हुआ है अब तुम्हारा, पहले वाली बात किधर है। और ये तुम्हारे साथ कुछ लोग तो है, पर इनमें मेरे वाली बात किधर है। अशकों से दरिया भर गए, समझे तुम लहरों से डर गए। ना चाहते हुए भी हम बिछड़ गए, क्योंकि फिर से तुम मुंह पर मुकर गए। ये दोस्तों के लिए लिखी थी कि बैठे एक दफ़ा नए लड़कों में तो किस्सों में किसी गुमनाम का जिक्र कर रहे थे। कितना अजीब है ना कि साहिल पर बैठकर वो शहर के किसी समंदर की तलाश कर रहे थे।